हमने आप लोगों को प्रक्षेप गति के बारे में बताया है, प्रक्षेप गति क्या होती है, और प्रक्षेप का पथ भी बताया है, उसका डेरिवेशन करके बताया है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे उड्डयन काल है, प्रक्षेप की ऊंचाई है, और प्रक्षेप की क्षैतिज परास है। डेफिनेशन हम बोलते जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अकेले लिखे हुए हैं। तो उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब होता है उड़ान का समय, मतलब प्रक्षेप गति में कोई पिंड जितनी देर तक हवा में रहता है, यहाँ से पिंड गति करेगा, यहाँ से पिंड जब गति करेगा तो यहाँ से गति करते हुए पिंड यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक के समय में पिंड क्या है, हवा में है, या पिंड को गति करने में जितना समय लगे, तो प्रक्षेप गति में पिंड जितनी देर तक हवा में रहता है उसी प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल मतलब समय है, जिसे टी से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g। यू वेग होता है, थीटा जिस कोण से वस्तु को फेंकते हैं, और थीटा वह कोण हो जाता है। प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है कि जब भी कोई पिंड को फेंका जाता है थीटा कोण से प्रक्षेप गति के लिए, तो पिंड क्या होता है कुछ ऊंचाई तक जाता है। मान लो यह पिंड h ऊंचाई तक जा रहा है, तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए u² sin²θ / 2g। अब अगर पूछा जाए कि पिंड को हमें अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है, पिंड सबसे अधिक ऊंचाई पर जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए प्रक्षेप की ऊंचाई में थीटा साइन थीटा आया है, ठीक है। तो जो साइन थीटा में सबसे अधिक मान होता है वो एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin²θ = 1। यहाँ पर sin²θ आया है, sin²θ का मान अगर एक हो जाए तो भी साइन में सबसे अधिक मान एक होता है, तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। sin²θ = 1 है, तो sin θ = 1 होगा। एक जो होता है वो 90° में होता है, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 90°। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण 90° होता है, यानी पिंड को अगर 90° कोण पर फेंकेंगे तो पिंड सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला अगर देखें, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा sin²θ = 1 रख देंगे, तो फॉर्मूला निकल के आएगा hmax = u² / 2g। अब यदि प्रक्षेप की क्षैतिज परास निकाली जाए कि क्षैतिज परास क्या होती है, तो प्रक्षेप गति में पिंड क्षैतिज दिशा में भी कुछ दूरी तय करता है। तो यहाँ से पिंड को फेंक रहे हैं, यहाँ पर आकर पिंड गिरता है, तो उसने क्षैतिज में जितनी दूरी तय की होगी वो उसकी कहलाती है क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज परास को आर से लिखा जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है u² sin²θ / g। अगर अधिकतम परास के लिए देखना हो कि पिंड अधिकतम कितनी परास तक जाएगा, तो अधिकतम परास के लिए sin²θ = 1, साइन का मान 1 हो जाए तो सबसे अधिक परास होगी। एक जो होता है वो sin 90° में होता है, तो थीटा इक्वल आ जाएगा 45। तो अधिकतम परास के लिए कोण 45° रहेगा, और यहाँ पर sin²θ का मान 1 रख देंगे, तो पिंड सबसे अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। तो sin²θ का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, तो r max इक्वल आ जाएगा u² / g।